हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि कश्यप और स्वागत करता हूँ आपका अकाउंट्स की 95 प्लस सीरीज में। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक चैप्टर 11th की अकाउंट्स का, जो कि है सिंगल एंट्री। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सिंगल एंट्री सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम होता क्या है। देखिए, अब तक हमने जो भी प्रोसीजर पढ़ा है वो है डबल एंट्री सिस्टम का। डबल एंट्री सिस्टम में होता क्या है, सबसे पहले कोई जर्नल ट्रांजेक्शन होगी, ट्रांजेक्शन के बाद उसको कन्वर्ट किया जाता है किसी जर्नल में, ठीक है। और जर्नल के बाद फिर हम उसके बनाते हैं लेजर, लेजर के बाद हम बनाते हैं उसका ट्रायल बैलेंस, ठीक है। ट्रायल के बाद हम उसका बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, जो कि हम ऑलरेडी बना चुके हैं, ठीक है, सीख चुके हैं ट्रेडिंग अकाउंट बनाना। ट्रेडिंग के बाद बनाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड लास्ट में बनाई जाती है बैलेंस शीट, ठीक है। तो ये जो यहां से लेके पूरा प्रोसेस है, इसको बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। यहां पर डबल एस्पेक्ट को रिकॉर्ड किया जाता है, बोथ साइड, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। लेकिन ये जो मेथड है वो बड़ी बड़ी फर्मों द्वारा ही अप्लाई किया जाता है, जो फर्में छोटी होती हैं, ठीक है, वो इस मेथड को अप्लाई नहीं करती हैं प्रॉफिट निकालने के लिए। वो एक सिंपल बेसिक फॉर्मूला अप्लाई करती हैं तो प्रॉफिट निकालने के लिए, जो मैं अभी आपको बताऊंगा, उसे बोलते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम। तो अब तक हमने ओवरऑल जो भी डिस्कस किया वो आपके सामने था डबल एंट्री। चलिए बात करते हैं सिंगल एंट्री की। तो सिंगल एंट्री के लिए आपको मैं बता दूं कि उन जो स्मॉल सेलर्स हैं, ठीक है, या कह लीजिए स्मॉल ट्रेडर्स हैं, वो अपने प्रॉफिट को निकालने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला आते हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड और लॉस, ठीक है, ऐसे लिख के प्रॉफिट इज इक्वल टू, उनके लिए फॉर्मूला होता है क्लोजिंग कैपिटल, कि हमारे पास एंड में कितना पैसा है, कितनी कैपिटल है, ठीक है, उसमें वो ऐड कर देते हैं ड्रॉइंग जो ने विद इन अ 1 ईयर पर्सनल यूज के लिए निकाला था, माइनस कर देते हैं इसमें से वो लोग जो ने बीच में लगाया था पैसा, एडिशनल कैपिटल, और एक और चीज माइनस कर देते हैं ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। इससे वो अपना क्या निकाल लेते हैं, प्रॉफिट निकाल लेते हो। तो दोबारा आप देख सकते हैं कि हो क्या रहा है। अगर आपको किसी भी चीज का प्रॉफिट निकालना है तो आप ये देखिए कि शुरुआत में मैंने कितना लगाया था और एंड में मेरे पास कितना है। तो क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग में से आप एडिशनल कैपिटल घटा दीजिए तो आपका पास पता पड़ जाएगा, आपके पास टोटल आपने कितना कमाया, इस साल कितना प्रॉफिट हुआ है। आपको बता दूं, कैपिटल के अंदर आप स्टॉक मत समझिए कि स्टॉक को ले रहे हैं, कैपिटल के मतलब स्टॉक, कैश, बैंक, सब कुछ आ जाता है कैपिटल में, ठीक है। तो ऐसे वो अपना प्रॉफिट निकालते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लगा के आप सिंगल एंट्री का प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन अगर आपको कभी प्रॉफिट दिया और आपको क्या निकालनी हो, ओपनिंग कैपिटल, तो इसी फॉर्मूले को आप रिवर्स कर देंगे। वी नो दैट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जेड होता है, ठीक है। तो अगर हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो जेड माइनस क्या कर देंगे, वाई कर देंगे। सेम लाइक यहां पर भी हम क्या कर देंगे, फॉर्मूले के साइन चेंज कर देंगे, ये हमारा इक्वल है। इक्वल के इधर कोई चीज आएगी तो अगर माइनस की इधर आके प्लस हो जाएगी, और प्लस की होगी तो माइनस हो जाएगी। तो इस फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। जस्ट लाइक एग्जांपल के लिए, क्लोजिंग कैपिटल दी है 4 लाख रुपीज की आपको, ठीक है, ओपनिंग कैपिटल दी है आपको एग्जांपल के लिए 2 लाख रुपए, ड्रॉइंग आपको दी है मान लेते हैं 400 रुपए पर मंथ, 400 रुपए पर मंथ, ये ध्यान रखना पर मंथ है, हम बना रहे ईयरली, तो 4 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12 से, तो ये हो जाएगा 3600 पर एनम पीए, ठीक है। 4 को नहीं, ये होगा 48 आई थिंक, हाँ 48 होगा। रीजन, अगर 9 से करेंगे तो 36 आएगा। और अगर हम बात करें किसकी, एडिशनल कैपिटल की, तो चलिए वो मान लेते हैं कि हमने शुरुआत करने के बाद बाद में और पैसा लगाया बिजनेस में, जिसको बोलते हैं फ्रेश कैपिटल या एडिशनल कैपिटल, और वो है हमारी मान लेते हैं 2800 रुपये, ठीक है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है। तो अगर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करें प्रॉफिट, तो क्लोजिंग कैपिटल 4 लाख प्लस ड्रॉइंग 4800 माइनस एडिशनल कैपिटल 2800 माइनस एडिशनल कैपिटल के बाद ओपनिंग कैपिटल लिखिए 2 लाख। नाउ 4 लाख में से 2 लाख, जैसे भी आप कैलकुलेशन कर लिए, सॉल्व तो कर ही लेंगे आप लोग, ठीक है, तो ये बचेगा आपका 2,02,000 रुपए, ठीक है, दैट इज अवर प्रॉफिट, ठीक है। अच्छा, आपको एक इंफॉर्मेशन दे दूं कि जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा कैलकुलेशन करते वक्त ड्रॉइंग और एडिशनल कैपिटल गिवन हो।
हमें जो चाहिए होता है प्रॉफिट निकालने के लिए, ओनली एंड ओनली मेनली क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल चाहिए होती है। अगर ये दिए तो अच्छी बात है, नहीं दिए तो कोई बात नहीं। तो इसका मतलब यहां पर अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो फॉर्मूला बन रहा है प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, अब ये फॉर्मूला बना है यहां पर। अच्छा, अब एक चीज मैं आपको यहां पे क्लियर हुई क्या कि मतलब प्रॉफिट निकालने के लिए क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल होना जरूरी है। ठीक है, तो आपको बता दूं जब जब यहां पर आपको ओपनिंग कैपिटल या क्लोजिंग कैपिटल नहीं दी होगी तो आपको बनानी पड़ेगी एक बैलेंस शीट। लेकिन उसको हम क्योंकि सिंगल एंट्री सिस्टम है तो बैलेंस शीट ना बोल के उसे क्या बोलेंगे, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बोलेंगे। तो करेंगे क्या, आपको बताता हूं यहां पर। इमेजिन करते हैं कि हमारे को यहां पर क्लोजिंग कैपिटल नहीं गिवन है, लेकिन क्लोजिंग कैपिटल के असेट्स और लायबिलिटी गिवन है। तो आप करेंगे क्या, सबसे पहले एक बैलेंस शीट बनाएंगे। ठीक है, ऊपर लिखेंगे बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च, जो भी ईयर हो वो डाल देंगे 2017। सब सारे आप असेट्स पुट कर लेंगे, असेट्स पुट करने के बाद जो भी लायबिलिटी यहां डाल देंगे और जो बंद करके कमी निकलेगी वो निकलेगी कैपिटल। ध्यान देंगे कि यहां पे कैपिटल में अब आप कोई ड्रॉइंग नहीं लेस करेंगे, सिंपल रहेगा, ड्रॉइंग का यूज होगी फॉर्मूले में। यहां से हमारी कैपिटल आई कौन सी वाली, क्लोजिंग वाली। ठीक है, तो अब आप फॉर्मूला लगाएंगे किसका, प्रॉफिट का। तो क्लोजिंग कैपिटल आ चुकी है, ये आप यहां पुट कर देंगे जिसे बोलेंगे क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, और फॉर्मूला सेम रहेगा, ड्रॉइंग प्लस हो जाती है। ठीक है, माइनस यहां पर एडिशनल कैपिटल और माइनस ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, तो ये फॉर्मूले को आप अप्लाई कर देंगे क्या निकालने के लिए, प्रॉफिट निकालने के लिए। दोबारा बता रहा हूं आपको, यहां पर अगर आपको कभी क्लोजिंग या ओपनिंग कैपिटल ना दी हो तो आपको क्या बनानी पड़ेगी, बैलेंस शीट। लेकिन इसको बैलेंस शीट ना बोल के हम बोलेंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। अब अफेयर का मतलब कुछ और मत समझ जाना, अफेयर का मतलब यह है यहाँ पे क्या करंट में आपके बिजनेस में चल रहा है वो है। ठीक है, तो करंट के बिजनेस की कंडीशन को बोलेंगे स्टेटमेंट अफेयर, जिसमें बैलेंस शीट बनेगी। अगर आपकी ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल दोनों ही गायब है तो आपकी यहाँ पे कितनी बैलेंस शीट बनेगी, दो। मतलब बैलेंस शीट ना बोलकर उसे क्या बोलेंगे, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। तो यहाँ पे आपके दो स्टेटमेंट अफेयर बनेंगे, उनसे पुट करने के बाद आप प्रॉफिट का फॉर्म लगा देंगे। तो ये था सिंगल एंट्री का बेसिक्स। आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन कुछ प्रैक्टिस कर सकते हैं अपनी बुक से। अगले एक और इसके पार्ट में आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा और फाइनली ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो इस चैप्टर में कुछ ज्यादा नहीं है, एक दिन का ये चैप्टर है, बड़ा ही इजी चैप्टर है। और एक अगर 4 मार्क्स का इसमें से क्वेश्चन आ जाता है तो आपको स्कोरिंग करने के लिए बहुत अच्छा होगा। तो आज के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय। और अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होता है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाय बाय।